हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है छात्रगण आज की इस केमिस्ट्री के अपने एज यूजुअल क्लास में। छात्रगण, जहां पर आपको हमने कल आपने देखा था किस प्रकार से धातु और अधातु के हमने कंसेप्ट उठाए थे क्लास में, और धातुओं के, अधातु तो मेरा हो नहीं पाया था समय के अभाव के कारण, धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पूरे पढ़े थे। हमने कल की क्लास में सीखा था कि धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं, चांदी सबसे सर्वोत्तम चालक है। कई प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, धातुएं अनुनादी होती है, धातुएं सोनोरस होती हैं, धातुओं में चमक होता है, धातुएं लस्चर होती हैं। कई प्रकार के कंसेप्ट हम सबों ने कल छात्रगण क्लास के अंदर में लिया था जो कि धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। अब आ जाइए अधातु के भौतिक गुण पढ़ लेते हैं और उसके बाद धातु और अधातु दोनों के आज रासायनिक गुण भी पढ़ लेंगे और दोनों खत्म करके ही जाएंगे क्लास के अंदर में। तो सीधे सीधे चैप्टर उठाइए नॉन मेटल्स अधातु के भौतिक गुण। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक यहां पे हैशटैग पे होगा अधातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। इसकी बातें करेंगे छात्रगण आपके सामने और डास देकर के लैंग्वेज लिखेंगे। जो कुछ भी धातु में थी, देखिए आप ये जानते हैं बहुत अच्छा से, बचपन से आप जान रहे होंगे कि अधातु में ठोस तो है नहीं। मोस्ट ऑफ दी अधातु जो है, एकाध को अगर छोड़ दिया जाए, आयोडीन को छोड़ दिया जाए, तो वो थोड़ा ठोस मटेरियल है, आयोडीन ठोस है। एकमात्र अधातु जो ठोस अवस्था में है वो है आयोडीन है। बाकी मोस्ट ऑफ दी जितने सारे अधातुएं हैं वो गैसियस फॉर्म में हैं और उनका फिर सॉलिडिफिकेशन किया जाता है। तो ये कहने की बात निश्चित रूप से तय मानी जाती है कि भाई जो धातु का गुण था उसका एक भी गुण अधातु में नहीं मिलता है। अपवाद तो हर एक जगह विद्यमान है, एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कोई भी गुण जो है इसमें विद्यमान नहीं है। अर्थात अधातुएं ना तो विद्युत की सुचालक हैं, अधातुएं ना तो ऊष्मा की सुचालक हैं, अधातुएं ना तो सोनरस होती हैं, मतलब ना तो इनमें आवाज पैदा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी गुण, ना तो इनमें चमक होता है, ना तो इनमें कलरफुल होता है, ना तो ये ठोस हैं, तो कोई भी गुण धातु के इसमें नहीं मिलते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना चाहिए, इससे आधा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बावजूद जो तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत में, उसको बुलेट लगा करके लिख लेना हमको लगता है उचित होगा। लिखिए डांस दे करके, अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अतः अधातुएं उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः अधातुएं उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। स्टॉप लगा करके नीचे बुलेट, कुचालक होते हैं। फुल स्टॉप लगा करके नीचे बुलेट लगाएंगे छत के, डैश से करके वहीं पे डैश लगा दीजिए, लॉक होते हैं। नीचे डैश, अधातुएं आघात वर्ध, वही जो कल हम पढ़ाए थे, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी कैरेक्टर, यानी कि मैलेबिलिटी, अधातुएं आघात वर्ध और तन्य नहीं होती हैं। आपने देखा था कि धातुएं आघात वर्ध और तन्य दोनों होती हैं, तो अधातुएं आघात वर्ध और तन्य नहीं होती हैं। एकदम से इसको याद रखना है, माइंड में सेट करके रखना है छात्र, अधातुएं आघात वर्ध और तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं आघात वर्ध और तन्य नहीं होती हैं। हो गया, नीचे डाल से करके बुलेट लगाइएगा। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, आपको मालूम होगा कल की क्लास से, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं जिस कारण उन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, नेगेटिव आयन
जिस कारण उन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जिस कारण उन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। हो गया यहां तक भी, फुल स्टॉप हो गया नीचे डैश दे करके। अब आ जाइए भूपरपटी पर पाया जाने वाला सबसे वाला धातु वाला, वो करवा देते हैं, है ना। तो लिखिए अर्थक्रस्ट यानी कि भूपरपटी पर सबसे अधिक, यानी कि सर्वाधिक लीजिए, सबसे अधिक मत लिखिए, भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु, पाया जाने वाला अधातु भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा 50% है। यानी भूपरपटी पर ऑक्सीजन कितना पाया जाता है भाई, तो आप लिखिएगा सीधे सीधे 50%। सबसे ज्यादा भूपर, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, वायुमंडल की बात नहीं है। वायुमंडल में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट की बात है। भूपरपटी पर, ये यहां इस प्रपटी पर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना। लिख लिए कितना उसमें, लगभग 50%। दूसरा आपका है सिलिकन, दूसरा लिख करके लिखिए, दूसरा भूपरपटी पर पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक अधातु सिलिकन 26%, वो भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। सिलिकन का संकेत SI होता है, 26%। हाँ, तो दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु, एंड दैट इज द 26%। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु सिलिकन, फिर आपका फास्फोरस है और फिर आपका सल्फर है। बस लिखिएगा तो लिख लीजिए, तीसरा नंबर में फास्फोरस, ये दूसरा हो गया, पहला हो गया ऑक्सीजन, दूसरा हो गया सिलिकन, तीसरा हो गया फास्फोरस और चौथा हो गया सल्फर। सो 1, 2, 3 और 1, 4, ये चार क्रम आपको हम बता दिए जो कि भूपरपटी पर पाया जाता। बहुत बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है कि भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा गैस है भाई, तो एकदम से याद रखिएगा ऑक्सीजन 50%, उसके बाद सेकेंड स्थान किसका है, सिलिकन का, दैट इज द 26%, देन थर्ड स्थान फॉस्फोरस का, और फोर्थ स्थान जो है वो आपका सल्फर का है। तो इन छोटे से बातों के सहारे आप इनको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा करके रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं छात्रगण कि ये पूरी तरह से आपने आत्मसात कर लिया होगा। हो गया अपवाद। अच्छा थोड़ा सा और एक लिख लीजिए, है ना, आपने जस्ट पढ़ा है कि अधातुएं, अधातुएं विद्युत की, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, होती है ना, कुचालक होती हैं। जस्ट अभी पढ़ाए हैं ऊपर में, सबसे पहला लाइन हम यही पढ़ाए थे, ये विद्युत की कुचालक होती हैं। अब इसमें लिख लीजिए अपवाद, अपवाद। आप याद हो गया होगा सर क्या लिखाने जा रहे हैं, ग्रेफाइट वाला कंसेप्ट लिखा रहे हैं। लिखे डालते करके, कार्बन का अपरूप, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए दोनों ओर पेंसिल छू करके कभी भी सॉकेट में मत डालिएगा, आपको करंट निश्चित रूप से पास हो जाएगा छात्रगण। और वो याद भी रखिएगा कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अपवाद के रूप में कहेंगे छात्रगण, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, फुल स्टॉप। विद्युत का, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, फुल स्टॉप लगा दीजिए, विद्युत का सुचालक होता है, फुल स्टॉप। नीचे डैश। अब कहानी आगे चलते हैं इसमें, और एक अपवाद और इसमें लिख लेते हैं, है ना। अधातुएं, अधातुएं ठोस और चमकदार नहीं होती हैं, अधातुएं ठोस और चमकदार नहीं होती हैं, एकदम याद कर लीजिएगा। अपवाद, अपवाद लिखिए, लिखिए आयोडीन, अपवाद लिख करके आयोडीन ठोस और चमकदार, आयोडीन ठोस और चमकदार दोनों होता है, आयोडीन, आयोडीन ठोस और चमकदार, आयोडीन ठोस और चमकदार दोनों होता है, आयोडीन ठोस और चमकदार दोनों होता है।
ये भी एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं कोई किंचित कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। एक और कभी क्वेश्चन लिख लीजिए। आपने जस्ट अभी पढ़ा कि अधात्मी ठोस नहीं है, एकमात्र ठोस हम आपको आयोडीन के रूप में लिखा दिए। मोस्ट ऑफ दी जितना नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस इन नेचर हैं, गैसियस फॉर्म में रहते हैं, आयोडीन ठोस को छोड़ करके, और एक ब्रोमिन जो कि लिक्विड रूप में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु, और वो होगा आपका ब्रोमीन। तो वो एकदम से याद रख लीजिएगा। और आपने पढ़ा है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु तो मरकरी, वो भी आपको याद होगा। द्रव अवस्था में कौन सा तत्व तो पाया जाता है द्रव के रूप में, धातु में, तो धातु में हो जाएगा मरकरी और अधातु में हो जाएगा ब्रोमीन। ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करके रखिएगा छात्रगण। दिस बोथ आर द दैट इज द ब्रोमीन एंड द HG, दिस बोथ एलिमेंट्स आर इन द लिक्विड इन नेचर सो फार इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये तमाम कहानियां आपको समझ में आई होगी छात्रगण। अब चलिए सीधे सीधे अब रासायनिक प्रॉपर्टीज की ओर लग सकते हैं। धातु पूरा अधातु भी मेरा, धातु के भौतिक गुण कल खत्म किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, आज अधातु के भौतिक गुण भी खत्म कर दिए। अब सीधे सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज अब चलेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छा से पढ़ करके लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स, अधातुओं की, और सॉरी धातुओं का, नॉन मेटल्स का है कि अभी तो मेटल्स पढ़ना है ना हम लोग का, पहले मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी छात्रगण, इसकी चर्चाएं हम सब आपके बीच में करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, खड़े हुए हैं छात्रगण। आइए एक एक करके देखते हैं कि धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या होगी, कैसे होगी। सबसे पहले धातु का वायु के साथ हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। तो धातु का वायु के साथ अभिक्रिया, पहला में धातु का वायु के साथ अभिक्रिया, वायु बोले तो अभिक्रिया, धातु का वायु के साथ अभिक्रिया, वायु बोले तो ऑक्सीजन, है ना। देखिए धातु जो है वायु के साथ अभिक्रिया करके, वायु बोले तो ऑक्सीजन करके, ये धातु का ऑक्साइड बनाता है। वो सबसे पहले आपको एकदम से याद करके रखना पड़ेगा कि धातुएं एयर के साथ, वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं, और इसका जो नेचर होता है वो होता है क्षारीय। इसका जो नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक कहने का मतलब होता है ये अम्लीय नहीं है, क्षार है। दो ही चीज पाया जाता है, अम्ल क्षार और उदासीन। तो पानी उदासीन हो गया, ये क्षारीय करेक्टर प्रस्तुत करता है। वो बहुत चीज पूछेगा आपको क्वेश्चंस में कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय गुण का होता है। ये बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय गुण, बेसिक नेचर, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। आप कहिएगा सब क्षारीय गुण होता क्या है, तो देखिए जितने भी प्रकृति में लिक्विड सब्सटेंसेस हैं उनमें कुछ अम्लीय हैं, कुछ क्षारीय हैं, और कुछ जो है आपका क्या है, उदासीन है। अम्लीय चीज़ को छूने पर आपके हाथ जलेंगे, आपके हाथों में चोट लगेगी, कई केमिकल रिएक्शन उसके द्वारा होते हैं। क्षारीय चीज़ों को छूने से ये नहीं होता है, टेस्ट दोनों का कड़वाहट है।
तो वही बस उतना ही आपको समझना है कि धातु के ऑक्साइड का गुण कैसा होता है, तो क्षारीय गुण होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब एक तो सिंपल सा इसमें एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए एक धातु ले लेते हैं सोडियम, और सोडियम की अभिक्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ में। अब देखिए धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये आपको क्या बना रहा है, ये बना रहा है नाइट्रोजन सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड आपका बनाया। अब चूंकि इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। अगर यहाँ पर दो डाल देते हैं तो देखो यहाँ पर दो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन लेकिन सोडियम हो गया चार, दो दूनी कितना हो गया चार, तो यहाँ पे चार सोडियम रख देंगे। तो देखिए चार सोडियम और एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स, फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, फोर एटम ऑफ सोडियम और वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल करके आपको टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड बनाता है। आप देख लीजिए धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना लिया। आपको ये समझना चाहिए कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर करके धातु का ऑक्साइड बना रहा है। मोटा मोटी तौर पर बच्चे सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि धातु में वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। बस सिंपली कोई भी होगा यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इसके स्थान पर कोई भी ले सकते हैं छात्रगण, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब आगे लिखेंगे, उसी में नीचे डैश लगा करके इसमें थोड़ा कंसेप्ट लिखाएंगे, इसको अभी आगे लिखिए डैश लिख करके। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति, ये जो लिखा है इसको लैंग्वेज में लिखा देते हैं, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय होती है, क्षारीय होने का मतलब क्या होगा, यदि लाल लिटमस पेपर अगर इसमें इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात विलयनों में लाल लिटमस पेपर डालने पर, अतः विलयनों में लाल लिटमस पेपर, विलयनों में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ये क्षारीय गुण के कंसेप्ट हैं छात्रगण, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। नीचे डैश, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में अविलय है, जल में नहीं घुलता है जल्दी, याद रखिएगा। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में अविलय है, ये सब रटने का चीज है। फिर देखिए केमिस्ट्री यहीं से आकर के थोड़ा सा रटने पर बच्चों को प्रेरित कर देता है छात्रगण, मुझे क्षमा करिएगा, मुझे भी मजा नहीं आता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन बिना रटे हुए आपका कोई उपाय नहीं है। इस बस यहाँ रटना भी खाली इतना ही है कि धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बन, ये सब कंकाल समीकरण खुद आपको क्रिएट करना है, ये सब जो बैलेंस इक्वेशन होता है ये अपने आप आपको बनाना है। तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में अविलय हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में अविलय हैं, परंतु कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है। परंतु कुछ धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है। फुल स्टॉप, नीचे डैश। मैग्नीशियम धातु बहुत हिट क्वेश्चन लिखा रहे हैं। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ, यानी कि वायु के साथ, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश देती है। मतलब जैसे ही मैग्नीशियम का फीता होता है, अगर उसमें जैसे ही माचिस आप लगाएंगे ना, फ्रॉम से जलेगा, एकदम ब्राइट कलर आपको निकल करके आएगा। वो बच्चों को भी प्रैक्टिकल करके स्कूल लेवल पर उसको दिखाया जाता है, 7वां 8वां के बच्चों को ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि मैग्नीशियम धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके बहुत ही ब्राइट फ्लेम प्रस्तुत करता है, चमकदार, जिसको हम लोग कहते हैं। उन्हीं बातों को हम सब यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च ऊष्मा या अधिक ऊष्मा और प्रकाश देती है। अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश देती है। तो MgO हमको जो मिलेगा, जो प्रकाश दे रहा है, उसको ठंडा कर लीजिए, राख हो जाएगा, उस राख को जल में घुलाइए, तो आप देखिएगा कि जल में घुल भी जाता है और साथ ही साथ उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय गुण प्रस्तुत करता है। नीचे डाल से करके
वायु में जलकर क्या चीज बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक क्षार का निर्माण करता है। वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक क्षार का निर्माण करता है। हो गया, एकदम क्लियर हो गया। धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। एकदम से एकदम याद रख लीजिएगा, इसको अगर पानी में घोल दिया जाए तो इनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। नीचे डाल करके, अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। परंतु कुछ धातु के ऑक्साइड क्षारीय के साथ साथ अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं। अम्लीय प्रकृति मतलब कि क्षारीय गुण भी प्रस्तुत कर रहा है और अम्लीय गुण भी प्रस्तुत कर रहा है, अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी एम्फोटेरिक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल लिखा देते हैं, काटो है ना, प्रकृति में दो ही तो है, एक तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक तो जिंक ऑक्साइड, दोनों लिख लीजिए। प्रकृति में एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ZnO, दो ऐसे यौगिक हैं, दोनों याद रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो ऐसे यौगिक हैं जो उभयधर्मी गुण प्रस्तुत करते हैं। दो ऐसे यौगिक हैं जो उभयधर्मी गुण प्रस्तुत करते हैं। ओके, ये पूरी कहानी है छात्रगण, जिसको कि हम सबों ने इसमें लेने का प्रयास किया है। एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर मीन्स द सब्सटेंसेस, द कंपाउंड्स विच आर बोथ इन द एसिडिक इन नेचर एंड बेसिक इन नेचर। ये पूरी प्रक्रिया थी छात्रगण धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का। आपने देखा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती हैं, कुछ धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय भी होती हैं, परंतु कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों बिहेवियर प्रस्तुत करता है। वैसे धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है।
ओके साथ ही साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ जल करके चमकदार फिल्म प्रस्तुत करता है, एंड दैट इज द मैग्नीशियम। ना सिर्फ अत्यधिक ऊष्मा निकलती है बल्कि एक चमकदार फिल्म भी निकलता हुआ नजर आता है। सीधे सीधे लेके चलेंगे छात्रगण आपको धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया। अब अगली रिएक्शन हम लेंगे, पहला रिएक्शन मेरे यहाँ पे खत्म हुआ, अगली रिएक्शन आपको लेके चलेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे छात्रगण, और देख पाएंगे कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके किस तरह का चीज निर्माण करते हैं। तो धातु का जल के साथ अभिक्रिया, धातु का जल के साथ अभिक्रिया, आइए जानते हैं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एकदम याद रखना है कि देख लीजिए, धातु जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करता है यह बनाता है धातु का ऑक्साइड, धातु धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है, धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड एकदम याद रखना है। वायु के साथ जल करके ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जब वायु जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस मुक्त होता है। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है छात्रगण। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको निश्चित रूप से याद करना चाहिए। तो धातु प्लस जल मिलकर के बनाते हैं धातु के हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु में आपका कौन सा हो गया, कौन से धातु की हम बात करेंगे, कोई भी एक धातु ले, मान लीजिए पोटेशियम ले लेते हैं और H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जल का सूत्र H2O होता है, ये बनाएगा हाइड्रोक्साइड, पढ़ाया था ना हाइड्रोक्साइड का ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप, OH ग्रुप हाइड्रोक्साइड, ये सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, ये क्या पढ़ाएगा, के पोटेशियम के लिए है, OH है हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है ना। इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, वहां पर मेरा दो है और एक यहां पर तीन है, यहां पर दो ही हाइड्रोजन, यहां दो डाल देंगे, यहां पर दो डाल देंगे, यहां पर दो डाल देंगे, तो दो ठो पोटेशियम, दो ठो पोटेशियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो दुनी चार हाइड्रोजन, और वहां पर दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन हो गया। तो इक्वेशन भी आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया छात्रगण। आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए छात्रगण कि ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों में धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। परीक्षाओं में एकमात्र क्वेश्चन यही होता ही है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो सीधे सीधे आप एकदम याद कर लीजिए कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ कौन सी गैस मुक्त होती है, तो छात्रगण हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये इसकी सबसे बड़ी पड़ाव है, सबसे बड़ी पहलू है जिसे आपको याद करके रखना चाहिए। आगे की रिएक्शन देखेंगे छात्रगण और जान पाएंगे कि आप कोई भी यहाँ पे धातु आप ले सकते थे छात्रगण। आपने देखा कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, बस ये छोटा छोटा देखिए पूरी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए छात्रगण, बस इन्हीं से ये क्वेश्चन सेटअप होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सेटअप आपको जो है बहुत अच्छी तरह से ये होना चाहिए। लेकिन छात्रगण जो आपने जल के साथ अभिक्रिया देखा वो ठंडे जल के साथ होता है छात्रगण, गर्म जल के साथ अभिक्रिया दूसरी हो जाएगी। तो जहां पर आप लिखा था धातु का जल के साथ अभिक्रिया वहां पर लिख लीजिएगा ठंडा जल के साथ में, वो मैं भूल गया था बताने के क्रम में, धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर करके आपको धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो वहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए धातु का जल के साथ अभिक्रिया जो लिखाए थे उसको केवल लिख लेना है धातु का ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। आप उसी में से सेकेंड रिएक्शन पढ़ लेंगे, दूसरा का सेकंड, वो दूसरा का पहला था, ये दूसरा का सेकंड पढ़ेंगे, धातु का गर्म जल जिसको हम लोग बोलते हैं भाप, ठीक है ना, धातु का गर्म जल यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ अभिक्रिया, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द हॉट वाटर और स्टीम, ये हम लोग इसमें कहेंगे। सेम कहानी रहेगा, अब देखिए धातु को
अगर हम स्टीम के साथ, भाप के साथ अगर हीट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड ना बन करके धातु के ऑक्साइड बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपका धातु के ऑक्साइड बनते हैं और साथ ही साथ आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो एज इट इज मुक्त होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस तो एकदम से याद ही रखे जाएंगे छात्रगण, क्योंकि ठंडे जल के साथ हम धातु की अभिक्रिया कराएं या गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराएं, दोनों स्थितियों में छात्रगण हमारा जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठंडे जल के साथ धातु में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जबकि गर्म जल यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर मैग्नीशियम लेते हैं और गर्म जल के रूप में पानी को H2O लेते हैं तो ये बनाता है MgO और प्लस साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। इक्वेशन भी मेरा दोनों तरफ से बैलेंस्ड है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। और ठीक इसी प्रकार आयरन से हमको फेरस और फेरिक बनाने के लिए, आयरन टू और आयरन थ्री बनाने के लिए भी छात्रगण हम यही अभिक्रिया से उसको लेकर के जाते हैं। तो आपको यहाँ पर दिमाग में ये बैठा करके रखना चाहिए कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके किस चीज़ का निर्माण करते हैं। तो दो कंसेप्ट आपका होना चाहिए, धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं और इस स्थिति में भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आइए स्वागत करते हैं और अगले रिएक्शन पर आपको लेकर के चलते हैं और अब अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया देखेंगे। धातु की रासायनिक अभिक्रियाशीलता में चलेंगे छात्रगण, अब हम सब चलेंगे धातु के तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। नंबर पहला, धातु का तनु अम्ल। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, मतलब पानी मिला हुआ। ये आपको दिमाग में रखना है कि तनु मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, इसको याद रखिएगा, डाइल्यूट एसिड है ना। तो धातु का तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए अम्ल बहुत ही खतरनाक टाइप का ये कंपाउंड्स है। तो चूंकि अगर डायरेक्ट अगर यहाँ पर हम लोग कॉन्क ले लेते हैं, इसको लिखते तनु ना लिख करके लिखते कॉन्क, कॉन्सेंट्रेटेड जिसको तेजाब कहते हैं, तो वो तेजाब क्या स्थिति करता है ये आपको मालूम है, पानी मिलाने पर वो माइल्ड हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात रखना चाहिए, तनु ये सब हिंदी के वर्ड हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता आप डाइल्यूट एसिड के साथ रखिए। तो धातु का डाइल्यूट एसिड तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होगा, क्या होगा, ये समझना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके जो हाइड्रोजन होता है, HCl जो होता है, देखिए अगर हम डाइल्यूट HCl लेंगे तो हाइड्रोजन को यह विस्थापित कर देगा। तो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तो एक तरफ क्या बन जाएगा, आपका लवण बन जाएगा, मतलब कि सॉल्ट बनेगा, और दूसरी तरफ में आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। सेम स्थिति जो कि वाटर के साथ आप रिएक्शन करवाए थे। तो एकदम से याद करना है कि धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, यहां लिख देते हैं धातु प्लस तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करके ये बनाएगा लवण, लवण जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा जिसको आपको याद रखना है ना। एक रिएक्शन ले लेते हैं, सोडियम और प्लस HCl ले लेते हैं, लवण के रूप में NaCl बना लेगा। देखिए नमक है ये, साधारण नमक जो खाने का यूज में करते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन दो वो है, यहाँ दो कर लेते हैं, तो फिर क्लोरीन दो, यहाँ दो, यहाँ दो कर लेते हैं, दो सोडियम, दो सोडियम, दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, हो गया सब कुछ। अब वहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए, धातुएं प्रायः तनु अम्लों के साथ, तनु अम्लों में धातुएं प्रायः तनु अम्लों से, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, हो गया विस्थापित कर देते हैं। जब धातु
तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। जब धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है ठीक है बाबू, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीचे डैश लेकर लिखिएगा, कम क्रियाशील धातुएं जो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब लेस क्रियाशील धातुएं, एकदम नीचे डैश देकर के कम क्रियाशील धातुएं बुलेट लगा करके कम क्रियाशील धातुएं, जैसे कॉपर जिसको तांबा कहते हैं, कॉमा सिल्वर जिसको चांदी कहते हैं, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, और गोल्ड कॉपर सिल्वर और गोल्ड तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगर पानी मिला दिया जाए तो उसके साथ ये अभिक्रिया ही नहीं करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, फुल स्टॉप। एक बात और याद रखिएगा छात्रगण, फुल स्टॉप नीचे डैश, जब धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3 डाइल्यूट, जब धातुएं तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अम्ल, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, है ना, इसका सूत्र भी याद रखिएगा, इंटरव्यू वगैरह में पूछता है नाइट्रिक एसिड का सूत्र, HNO3 नाइट्रिक एसिड का सूत्र पूछता है, इसको याद रखिएगा HNO3। तो जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा, देखिए HCl के साथ करेगा तब होगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है। जब धातुएं तनु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है। अब आपने देखा कि छात्रगण कि किस प्रकार से जो है गोल्ड और जो आपका सिल्वर वगैरह है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन आप देखिएगा कि जब आप सोनारों के पास जाएंगे तो वो लोग आपको चांदी सफाई या सोने की सफाई जो है उनमें उनके पास एक स्पेशल प्रकार का केमिकल है और उस केमिकल का नाम है एक्वारिगिया अम्लराज, और ये अम्लराज होता है HNO3 और HCl का मिश्रण। इसलिए कहा जाता है घर में जब सोने चांदी की सफाई करने के लिए लोग आते हैं तो उसे सोना और चांदी साफ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो डाइल्यूट नहीं, वो कॉन्क लेकर के आता है। आपने देखा कि डाइल्यूट के साथ में आपको कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया रिएक्शन नहीं करता है, तो वो अम्लराज है, अम्लराज के साथ यह अभिक्रिया करता है। स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स में आपको अम्लराज पढ़ाए हैं और यहां भी हम आपको पढ़ाना चाहेंगे, है ना। तो अगली हेडिंग हम लोग बना लेंगे एक्वारिगिया का, अम्लराज का, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए छात्रगण की अम्लराज का कंसेप्ट क्या है और किस प्रकार से ये अम्लराज जो है चला करते हैं। देखिये जब आप देखेंगे क्या कि हम अम्लराज की बात करें, अम्लराज है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्वारिगिया। आपने अभी जस्ट पढ़ा कि तांबा चांदी और सोना ये तीनों धातुएं जो हैं वो डाइल्यूट यानी कि तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन एक्वारिगिया यानी अम्लराज, अम्लराज में क्या चीज होता है, HNO3:HCl, इसकी मात्रा कितनी होती है, HNO3 और HCl 1:3 का होता है, 1 HNO3 और ये 3 HCl, ये अनुपात रखिएगा, इनका अनुपात होता है 1:3 का, यानी नाइट्रिक एसिड एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना भाग रहता है, 3 भाग रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि अम्लराज, अम्लों का राजा एक्वारिगिया जो है
वो नाइट्रिक एसिड का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तीन भाग को मिला करके बनता है। अब इस एक्वारिगिया में जो ऐसे धातु जो कि डायलूट में नहीं घुलते थे वो इसमें घुल जाएंगे, तांबा घुल जाएगा, चांदी घुल जाएगा, सोना घुल जाएगा, सभी इसमें घुल जाएगा। तो लिखिए अम्लराज, अम्लराज एक भाग नाइट्रिक एसिड HNO3, एक भाग नाइट्रिक एसिड तथा तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर, तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर के बनाया जाता है इसमें बनाया जाता है फुल स्टॉप नीचे बुलेट। इसमें धातुएं घुल जाती हैं। इसमें धातुएं क्या होती हैं? घुल जाती हैं। तो छात्रगण आपने देखा कि किस प्रकार से ये तमाम जो धातुएं हैं छात्रगण वो अपनी रिएक्टिविटी प्रस्तुत करते हैं और पूरी रिएक्शन जो है वो धातुओं के किस प्रकार से निखर करके आती है ये आपको बहुत अच्छी तरह से आज के टॉपिक में समझ में आया होगा। तो धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता में हमने तीन पॉइंट उठाए थे, धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया, धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया और धातुओं का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रियाओं के साथ धातु की रासायनिक अभिक्रियाशीलता यहीं पे खत्म होती है। अब चलेंगे हम लोग अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता और वहां पर आपका स्वागत कर रहे हैं अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के पास। अब नई हेडिंग क्रिएट कर लीजिए छतगन यहीं पे और वो हेडिंग हमारी बनेगी अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता। मेरे लिए कुछ भी चेंज नहीं करना होगा, फिर धातुओं के पहले हम अ लगाएंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स लिखे थे यहां पे लिख देंगे नॉन मेटल्स। आपके लिए नई हेडिंग क्रिएट होगी और आप जो है वो नई हेडिंग इसमें बनाएंगे, ठीक है ना। एक एक करके रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो कि हम सब जो है प्रीवियस में पढ़ते आए हैं उसको याद रखेंगे, ठीक है ना, और एक एक रिएक्शन को ये कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। नंबर पहला अधातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। जो सेम धातु का पढ़े थे सेम एकदम वही पढ़ेंगे, सेम टू सेम, कोई भी चेंजेज इसमें नहीं करेंगे। देखिए अधातु में एकदम याद कर लीजिए कि अधातु ये वायु के साथ अभिक्रिया करके छात्रगण अधातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड ये सबसे पहले एकदम दिमाग में आपको बैठा करके रखना है कि अधातुएं रिएक्ट करके क्या करते हैं? अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अधातु में कार्बन ले लेते हैं और वायु ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख पा रहे होंगे छात्रगण कि अधातु वायु के साथ अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। वो आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा के रखना चाहिए कि अधातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है। तो अधातु वायु के साथ अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं छात्रगण, जिसकी चर्चाएं हम सब ने यहां पर की। अब इसके आगे चलिए, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिला, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम जल में घोल दें, लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड को, कोई भी धातु के ऑक्साइड को, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड को यदि जल में घुलाया जाए तो यह जल में घुलकर अम्लीय गुण प्रस्तुत करता है। तो यह जल में घुलकर अम्लीय गुण प्रस्तुत करता है। अम्लीय गुण प्रस्तुत करता है। देख लीजिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ घोलेंगे तो एसिड बनाएगा H2CO3 और ये एसिड है आपका कार्बोनिक एसिड।
इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। और यही होता है छात्रगण, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स आप देखते हैं, जितना सारा जो कोल्ड ड्रिंक्स है, वो तमाम कोल्ड ड्रिंक्स में बस यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल करके ये कार्बोनिक अम्ल बनाया जाता है। जितना प्रकार का ठंडा पेय पदार्थ है, इन सभी ठंडे पेय पदार्थों में ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है वो मौजूद रहता है छात्रगण। इसलिए रामदेव बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर तुमको टॉयलेट वगैरह साफ करना है तो इसे तुम आसानी से साफ कर लोगे। जितना कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स ला करके टॉयलेट में डाल दीजिए, वो क्या होगा, साफ हो जाएगा। नेचर यही है कि उसमें अम्लीय है, और वो अम्ल कौन सा है, कार्बोनिक एसिड। तो ऑल द शीतल पेय पदार्थ, जितना भी ठंडा पानी है, जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है, उन सभी ठंडे पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे, अतः हम इस रिएक्शन को देख करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि तमाम अधातु के ऑक्साइड को यदि जल में घोल दिया जाए तो हमें कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है छात्रगण, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए छात्रगण कि जब हम मेटल्स के ऑक्साइड की बात कर रहे थे, जब हम धातुओं के ऑक्साइड की हम अध्ययन अध्यापन कर रहे थे, जस्ट इसके पहले वाली जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा था कि हम धातु के ऑक्साइड पढ़ रहे थे, तो धातु के ऑक्साइड में आपने पढ़ा कि धातुओं के ऑक्साइड की अगर जल के साथ अभिक्रिया करा जाए तो उनका नेचर बेसिक होता है, उनका जो आचरण है, जो बिहेवियर है, वो आपका क्षारीय गुण प्रस्तुत करता है छात्रगण। लेकिन आपने देखा कि अधातु के ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो अधातु के जो एसिड बनाते हैं, वो नेचर जो इनका है वो अम्लीय स्वभाव का होता है। तो डैश देकर के यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लेना, एक नोट्स बना लेना होगा हम सबों को, नीचे डैश देकर के लिखिए। धातु के अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, और दोनों याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जल में घुलने के बाद क्षारीय होगी, और अधातु के ऑक्साइड की जल में घुलने के बाद उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो डैश देकर के बुलेट लगा करके लिखेंगे, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय प्रकृति, जल में घुलकर अम्लीय स्वभाव प्रस्तुत करता है, अम्लीय प्रकृति प्रस्तुत करता है, व्हाटएवर, जल में घुल करके अम्लीय स्वभाव, अम्लीय प्रकृति प्रस्तुत करता है, अम्लीय स्वभाव प्रस्तुत करता है। अब वहीं पर एक आपको छोटा सा अपवाद भी यहां पढ़ लेना होगा। आप मेरे से फटाक से सवाल करिएगा कि सर, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, आप हमसे पूछ सकते हैं। अब यहां पे अपवाद हमको पढ़ाना पड़ेगा आपको, अपवाद, एक अपवाद याद रखिएगा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो आप बनाइए, बोलिएगा सर कि ये H2O बनेगा, ठीक है ना, यहां पे दो कर लेंगे, पानी बन गया। लेकिन बोलिएगा सर पानी तो उदासीन होता है, यस, ये भी तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, लेकिन इसका नेचर तो उदासीन है, न्यूट्रल इन नेचर है, ये उदासीन है, तो ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा होने के कारण ये अपवाद में चला गया छात्रगण। एकमात्र ऐसा अधातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो अधातु का ऑक्साइड बनाता है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, वो उदासीन होता है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। लिखिए डैश देकर के, अपवाद लिख करके ये पूरी रिएक्शन को उतार लीजिए अच्छी तरह से, नीचे डैश देकर के लिखिएगा, एकमात्र अधातु हाइड्रोजन, एकमात्र अधातु हाइड्रोजन जब वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है, जिसकी प्रकृति उदासीन होती है, जिसकी प्रकृति उदासीन होती है, मीन्स इट इज न्यूट्रल इन नेचर। इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। हम उम्मीद करते हैं छात्रगण कि आप सबने आज की क्लास को बहुत बहुत एंजॉय किया होगा, और बहुत ही मजे तरीके से, आपको जरा भी नहीं लगा होगा कि सर हम सब ऑफलाइन क्लास में हैं या ऑनलाइन क्लासेस में हैं, आपको जरा भी फील नहीं हुआ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज पूरी केमिकल रिएक्टिविटी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कल की क्लास में हमारी मुलाकात होगी, जिसमें हम सब पढ़ेंगे अधातुओं की डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया। छात्रगण आपने देखा कि किस प्रकार से धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति क्षारीय थी। हमने देखा कि अधातु
वायु के साथ अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं और जिनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। तो आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब बखैर, बबा।